कंपनसेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कह रहे हैं कि एन अकाउंट एग्जेक्टिव रिसीव्स अ बेस सैलरी प्लस कमीशन, ठीक है। तो ये जो चीज क्वेश्चन है वो कमीशन का है कि ऑन 20,000 इन मंथली सेल्स, अगर वो 20,000 की मंथली सेल कर देता है तो द अकाउंट वुड रिसीव कंपनसेशन ऑफ$1,800। अगर वो 50,000 तक की मंथली सेल कर देता है तो वो रिसीव करता है $3,000। अगर हम कहें, और उसने आगे कहा होगा कि डिटरमाइन अ लीनियर फंक्शन दैट यील्ड्स द कंपनसेशन ऑफ द अकाउंट फॉर एक्स डॉलर्स इन मंथली सेल, तो उसने कह दिया कि एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मंथली सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी ऑफ एक्स मैं कह देता हूँ, या चलो ए ऑफ एक्स द कंपनसेशन अमाउंट वो किस चीज की कंपनसेशन है बेस्ड ऑन दी मंथली सेल, ठीक है, कि कितनी कंपनसेशन उसको मिलेगी। तो एक तो उसने कहा हुआ कि X1 अगर वो सेल कर देता है $20,000 की तो उसको कंपनसेशन कितनी मिलेगी, $1,800, और अगर वो सेल कर देता है $50,000 की तो उसको कंपनसेशन मिलेगी $3,000 की, ठीक है। तो हमें फंक्शन बनाना है ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी का, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन है जो कंपनसेशन को कैलकुलेट करेगी। अब इसके लिए हमें एम चाहिए, एम के लिए हमारे पास ऑलरेडी दो वैल्यूज हैं, X1 X2 A1 A2, तो वी कैन फाइंड आउट एम। Y2 हमारे पास यहाँ पे A2 है, 3000 माइनस 1800 डिवाइड बाय X2 हमारे पास 50,000 है माइनस 20,000, 18 में से ये हमारे पास आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 30,000। सो ये दो जीरो इसके साथ कैंसिल, 12/300। आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, 6/150 एंड 2/50 एंड देन 125। ये आपके पास इक्वेशन बनेगी, ए इज इक्वल टू 1/25 एक्स प्लस बी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमें असल में बी की वैल्यू भी निकालनी है, तो बी के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट पुट कर देते हैं। तो फर्ज करो मैं पहला वाला पॉइंट पुट कर देता हूँ, बाकी सेकंड वाला पुट कर देता हूँ, मे बी दैट्स इजी। 50,000 इज इक्वल टू 1/25, और सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 3000 प्लस बी, तो 25 टू टाइम्स 50 हमारे पास यहाँ पे 2000 आ जाएगा। 2000 जब इस तरफ आएगा, 3000 में से अगर हम 2000 माइनस कर देते हैं तो बी की वैल्यू हमारे पास जाएगी 1000, तो आपके पास जो बी इज 1000, ए हमारे पास आएगा 1/25 एक्स प्लस 1000। ये हमारे पास वो लीनियर इक्वेशन है। अब वो कह रहा है कि अगर 85,000 की सेल करे, एक्स की वैल्यू इतनी हो तो कंपनसेशन कितनी होगी, तो आप यहाँ पे 85,000 लिख दें। जब आप सारी वैल्यूज पुट कर दें फिर इसको सिंप्लीफाई कर दें, यू गेट दी आंसर।